ट्रेन की तो मस्ती वाली अभी से चालू हो गई है। जैसे कोई नहीं बोलेगा छोड़ी बची हो गया। मतलब ट्रेन की जर्नी एक अलग ही जर्नी है। सीरियसली हर चीज का एंजॉय लिया लाइफ में ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है ट्रेन में बैठ के। फ्रेंड्स हम फाइनली यहाँ पे स्टेशन पे उतर गए हैं और ये है काठगोदाम स्टेशन और अब हम यहाँ से जा रहे हैं पनवूर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे इतनी ज्यादा चढ़ाई है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड जैसे आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा ही था कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अब हमारी ट्रेन चालू हो गई है। तो आज के व्लॉग में हम आपको मिलवाने वाले हैं अपनी पूरी फैमिली से। तो आप रेडी हो? जब तक आपको हम वो दिखाते हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम मिलवाते हैं आपको। तो फ्रेंड ये है हमारी मम्मी जी। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ट्रेन में। फ्रेंड्स आपने मम्मी को काफी वीडियोस में देखा भी हुआ होगा, कमेंट करके बताओ किस किस ने देख रखा है। जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कर दो। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने बड़े भाई से, इनका नाम दुर्लभ जैन है। तो ये यूएस से आए हुए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इंडिया में? बहुत अच्छा। मतलब कैसा फील हो रहा है? मतलब देखो इनकी आवाज भी नहीं निकल पा रही है। अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ अपनी भाभी से। ये देखो हमारी भाभी थोड़ी सी स्टाइलिश है, लग रहा है कि यूएस रिटर्न है। कैसा लग रहा है आपको? आइडिया नहीं लगाया होगा कि भाभी इतनी स्टाइलिश मिलेंगी। हाँ जी भाभी जी बताइए आपको कैसा लग रहा है? Awesome. देखो यहाँ से आवाज आ रही है, मतलब भाभी जी ने हमारे भाई की आवाज वहाँ बिल्कुल बंद करी हुई है। और ये है इनकी छोटी बेटी अविका। अविका हाँ? आप इंजॉय कर रहे हो ट्रेन में? हाँ? आप इंडिया में ट्रेन में कितनी बार बैठे हुए हो? दो बार। दो बार। और अदा कहाँ पे है? बड़ी बहन आगे से आगे मिलवाएंगे जहाँ सारे बच्चे बैठे हैं। चलो तो फ्रेंड इससे तो आप लास्ट व्लॉग में मिल ही चुके हैं। इसका नाम है अदा और ये मेरे बड़े भाई की सबसे बड़ी डॉटर है। ये पूरे फैमिली में सबसे बड़ी डॉटर है। तो आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? अदा अब इससे कोई नहीं पूछेगा। ये देखो इनकी तो मस्ती वाली अभी से चालू हो गई है। इससे कोई नहीं बोलेगा छोड़ी बच्ची हो गया। ये बड़ी बच्ची है, करेक्ट अदा? और कुछ आता है बोलने? हाँ। अनु पागल है। अभी हम अनु से भी मिलवाएंगे। और इस फेस को तो आप जानते ही हो। yes, रिनोन फेस। रिनोन फेस है। फ्रेंड्स ये है मेरे मंझले भ्राताश्री येन जैन। तो ये मतलब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं हाँ अभी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत। छोटे भाई साहब मेरे साथ है तो और ज्यादा कॉमेडी करेंगे हम। और ये हम मिलवा रहे हैं आपको अपनी भाभी से। Hello, तो आपको कैसे फील हो रहा है ट्रेन में इतने टाइम बाद बैठना? बहुत बढ़िया। और बच्चे कहाँ बैठे हैं? बच्चे ये बैठे हैं। बच्चे ये बैठे हैं। हाँ जी अनु। हाँ। How much you are excited? क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? दोबारा बताएं आप। बहुत लंबी है। मतलब क्या करिए, इसकी जबान बहुत लंबी है? नहीं मतलब ये क्या बोल दी, इसकी जबान बहुत लंबी है? अदा पागल है। अदा पागल है। तो ये हमारे येन ब्रदर की सबसे छोटी डॉटर। अपना नाम बताओ भाई। अनन्या। अनन्या तो आपको कैसा फील हो रहा है ट्रेन में, मतलब इतने सारे बच्चों के साथ कितना मजा आ रहा है? कलरिंग कर रहे हैं। ओए ओए आप यहाँ पर भी आ गए। तो यहाँ पे आ गई है हमारी गरम गरम चाय। yes. और कृष्णा जी पानी में क्या डाल रही है? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर। yes. और क्या बनाने का प्लान है तुम्हारा? ये बिस्किट दिए हैं तो मैं मैरीगोल्ड बिस्किट खाऊंगी चाय के साथ। मैरीगोल्ड बिस्किट डिप करने में बहुत मजा आता है। मेरे लिए चाय बना देना, मेरा देख लो ग्लास भी खाली रखा हुआ है। बनाते यहाँ पे आगे तुम मंडाला आर्ट कर रहे हो लेकिन लग तो अच्छी रही है। और अदा क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रहे हो? और ये हमारी अन्नु। वैसे मैं फ्रेंड बताऊँ अन्नु का ना एक हमने शॉर्ट नेम बना रखा है अन्नु का पन्नू। और यहाँ पे तीनों छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? धोनी धोनी आपकी कलरिंग मतलब खत्म नहीं हुई अभी तक, आप क्या कर रहे हो? और धोनी आप क्या कर रहे हो? घर पे पढ़ते नहीं हो, यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। और यहाँ पे अब्बू क्या कर रही है अभी का? क्या कर रहे हो? हम जॉब कर रहे हैं। मैं भी जॉब कर रही हूँ। A few moments later. फ्रेंड यहाँ मम्मी ने बना दिया मेरे लिए गरम गरम चाय। देखो आपको दुआ भी दिख रहा होगा। और इन्होंने मुझे दिए
दो बिस्किट मैरी गोल्ड के व्हाट इज और अभी हम जरा देखते हैं जिनी धोनी की मम्मी जी ने कैसी चाय बनाई है। सारा सामान डाले फ्रेंड्स, अच्छी बनाई है, बहुत बेहतरीन बनाई थी मम्मी चाय, बिस्किट भी बहुत बेहतरीन है। तो फ्रेंड देखो मैं तो चाय पे फूक मार रहा था, मम्मी बिस्किट पे मार रही है। बिस्किट ना डिप करके खाती चाय से मजा आ रहा है ना। मतलब ट्रेन की जर्नी एक अलग ही जर्नी है, सीरियसली हर चीज का एंजॉय लेना चाहिए लाइफ में ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और देखते हैं इसमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। और मतलब फ्रेंड देखो मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग हैं काठ गोदाम, मतलब काठ गोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में, और ट्रेन बहुत ही अच्छी है और आपको पता चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कितना कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं पनघोट नैनीताल से आगे। हम लोग जा रहे हैं पनघोट जो कि नैनीताल थोड़ी सी आगे है। तो अब हम देखते हैं हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। तो फ्रेंड देखो ये है ये हमें मिले कटलेट, और ये तो आपको पता ही है मैंगो जूस, ये बटर, और ये है बटर, और बटर नहीं मैडम कटर बोला आपने, मैंने कटर बोल दिया तो वो बोलना था मुझे बटर, मुझे लगा कटर। फ्रेंड देखो ये मैं फिर से बोलता हूँ, ये है बटर और ये है उसके साथ स्ट्रॉ, और ये ब्रेड है एज यूजुअल हार्वेस्ट की, और ये केचप भी है, और ये केचप भी है। तो फ्रेंड ये कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, भी एक बहुत कमाल की चीज़। फ्रेंड देखो यहाँ पे सेफ्टी का इतना ध्यान रखा हुआ है कि इन्होंने हर्बल हैंड सैनिटाइजर भी दिया है। तो चलो अब मैं इसको अपने कटलेट को सैंडविच में बदलता हूँ। फ्रेंड्स ये बन गया मेरा सैंडविच और मैं इसे खाने जा रहा हूँ। तो कैसा लगा? ऑसम बहुत बढ़िया, मजा ही मजा है। जिनी क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो? कटलेट क्या खा रहे हो? सैंडविच। सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और ध्वनि को देखते हैं। ध्वनि क्या कर रही है? ध्वनि क्या कर रहे हो आप? सैंडविच। कुछ नहीं, सैंडविच देखो ये ध्वनि ने कैसा सैंडविच बनाया है, क्या क्या रखा है इसमें। पहले मैंने अपने दो ब्रेड ली, दोनों पे बटर लगाया, फिर मैंने कटलेट लिया, कटलेट लगाया दोनों पे, एक पे कटलेट लगाया, फिर दूसरे पे केचप लगाया बहुत भर 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 के, और फिर ब्रेड लगा दी। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत गंदा लग रहा। चलो एंजॉय करो, आप भी करो एंजॉय। A few hours later. फ्रेंड हम फाइनली यहाँ पे स्टेशन पे उतर गए हैं और ये है काठगोदाम स्टेशन, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं पनघोट, और हमने ऑलरेडी अपना जो लगेज है जय का नाम है पनघोट, वो आप गूगल करके देख लेना क्या पनघोट बोलते हैं या पनघोट बोलते हैं, तू बता पनघोट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लगेज यहाँ पे कैब ड्राइवर ने रख दिया है, और अब हम आपको रास्ते का भी सफर दिखाते हैं, तो स्टे ट्यून। हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे मेलोडी चाहिए। मेलोडी चाहिए? हाँ जी। पहले ये बताना पड़ेगा तुम्हें मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इज चॉकलेटी। लेकिन क्यों है इतनी? क्योंकि एशना को पसंद है इसलिए। तो ये तुम्हें नहीं मिलेगी। यस जीनी, तू लेमन सोडा पिएगी? थोड़ा सा आपकी वजह से टेस्ट करूंगी, बाकी मेरी थम्स अप भी रहेगी। तुम पियोगी?
नहीं लेमन सोडा नहीं, मुझे ये वाली चाहिए। टॉफियां बच्चों को मिलेंगी, तुम्हें अभी का कोई चाहिए? अभी का। और ये देखो, ये देखो भैया यहाँ पे बना रहे हैं हमारे लिए लेमन सोडा खास खास मसालों के साथ। कच्चा आम कौन मांग रहा है? कच्चा आम कौन मांग रहा है? भावना भाभी कच्चा बादाम पे वो डांस करेंगी तब कच्चा आम मिलेगा। भावना भाभी जी मुझे नहीं चाहिए। तो भावना भाभी जी आपने ये कच्चा आम क्यों मांगा? मुझे नहीं चाहिए, ये बच्चे को चाहिए। कच्चा आम किसको चाहिए? ये बस बच्चे को। कच्चा आम जिसके दांतों पे क्या लगा हुआ है? इयररिंग, ब्रेसेस लगे हुए हैं। अनु तू भी मतलब लेमन सोडा नहीं पिएगी? नहीं, मैं मतलब पढ़ लेंगे लेंगे थोड़ी थोड़ी, पहले टेस्ट करते हैं हम। हाँ जी धोनी धोनी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना है। तुम तो मना कर रहे थे कि हम नहीं पिएंगे। अब हमने सोचा, धोनी तो समझदार है, इसने कहा कि पहाड़ों की चीज मैं क्यों ना पीऊं। और ऐसा तुमने ही मना किया था? पूछ वाला है। पूछ वाला तो पूछ पूछ करके पी लो। लग कैसा रहा है? बढ़िया। तो मेरा बच रहा है, नहीं बच रहा कि तुम लोगों ने पी लिया? मैं सिर्फ टेस्ट किया था, आप टेस्ट किया था सिर्फ। तो यहाँ पे शुरू हो गए पापा पूछ पूछ वाले स्ट्रॉ से, तो मतलब पीना। हाँ, मैंने कहा था ना पूछ पूछ वाला स्ट्रॉ है। कैसा है? अमेजिंग, दिल्ली से बहुत बेटर है। सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बनाया। यहाँ पे आओ तो पनगूट जाते हुए रास्ते में इन वाले भैया, और इन वाले भैया की शॉप का ट्राई करें, गजब है। इनकी शॉप का नाम शायद कैडबरी डेयरी मिल गया। ये पता चल गया दिल्ली के बच्चे हैं। इसका नाम है भट्ट रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी ज्यादा चढ़ाई है। और अब धोनी की हालत देखो फ्रेंड, धोनी दिखाइयो, धोनी के बाल देखो फ्रेंड कितने चमक रहे हैं। और ये मम्मी भी आ गई हैं, मेरे भी चमक, और पीछे हमारी छोटी मम्मी आ रही हैं। और फ्रेंड्स जो इजिप्ट की मम्मी होती है ना, वो वाली मम्मी। एक इम्पोर्टेंट बात तो बता दो, पनगोट में कितनी चढ़ाई है तो बता दो। ये पनगोट की चढ़ाई नहीं है, एक्चुअल में फ्रेंड्स हमने कैंप लिया है तो ये उसकी चढ़ाई है, लेकिन ये लोकेशन बहुत गजब है। देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखो क्या बढ़िया मौसम है, आपको मजा आ रहा होगा। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी भाई। क्या कान बंद हो रहे हैं? कान बंद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे और इनके कान खोल देंगे। ठीक है खोलो, चलो। हाँ जी मम्मी जी, थक गई आप? सबसे बढ़िया है मम्मी, थक गई आप? हाँ भाई। कितना थक गई भाई? शिखर जी की यात्रा जैसे। शिखर जी की यात्रा फ्रेंड, शिखर जी की यात्रा हमारी जैनियों की होती है, और वहाँ पे इससे तो पता नहीं कितने किलोमीटर ज्यादा होते हैं, तो मम्मी को वैसे ही फील हो रहा है। वैसे ही लग रहा है आपको? हाँ जी सही, मैं थक गए। आप थक गए? चल लो ना, आपको कुछ नहीं लगेगा। अरे चल तो सही। फ्रेंड्स फाइनली हम पनघोट वाले कैंप पे पहुंच गए और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब हम रूम में जाके रेस्ट करेंगे, रूम में नहीं टेंट में जाके रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।